हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिक्स्थ डे फॉर स्पोकन इंग्लिश. एज यू हैव स्टार्टेड स्पीक इन इंग्लिश नाउ आई फील, मुझे लगता है कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर चुके होंगे. अगर नहीं किए तो आप, हो सकता है कि मेरे सारे सजेशंस को आपने फॉलो नहीं किया, राइट. अगर कोई ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है. फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे. नहीं देखें तो प्लीज़ वॉच इट, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, राइट. सो लेट्स बिगिन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वर्ड से ही ये क्लियर होता है कि ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस चलता रहे, है ना. जैसे वह जा रहा है, वह हंस रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, मेरी माँ खाना पका रही है. दीज ऑल दीज सेंटेंसेज विल बी कॉल्ड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे सब्जेक्ट प्लस इजमआर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत गा रही है, है ना. वह गीत गा रही है तो जनरली क्या, हिंदी में अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ना. जैसे वह हंस रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज लाफिंग. सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे. जैसे ही, शी, इट, नेम सिंगुलर इज, आई के साथ एम होगा, यू, वी, दे प्लूरल के साथ आर होगा, यू, वी, दे प्लूरल के साथ आर होगा. सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी ट्रिक्स, जो भी टेक्निक, जो भी स्ट्रक्चर्स हम बता रहे हैं, आपको किसी नोटबुक में लिख लेना चाहिए. दिस वे यू विल बी रिवाइजिंग, या आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, दैट वे ऑल्सो यू कैन बी रिवाइजिंग, राइट. ओके, सो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. निगेटिव जब बनाना है तो इट्स वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, इज एम आर के बाद आप यहाँ नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या वह गीत गा रही है तो क्या करेंगे, इज को हम यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग. जैसे मैं टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग. आई एम नॉट वॉकिंग, एम आई वॉकिंग, एम आई नॉट वॉकिंग. तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है. जैसे ही इज रनिंग, रन का मतलब होता है दौड़ना, बाय का मतलब होता है खरीदना, कॉल का मतलब बुलाना, कैच का मतलब पकड़ना, क्लीन का मतलब साफ करना, क्लाइंब का मतलब, इसको क्लाइंब नहीं बोलेंगे, क्लाइंब बस. बी जब भी एम के बाद आता है तो साइलेंट होता है, ठीक है. तो क्लाइंब, कंप्लीट मतलब पूरा करना, लर्न का मतलब सीखना या याद करना, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, प्ले का मतलब होता है खेलना. तो जैसे वह मैदान में दौड़ रहा है तो ही क्या होगा, ही इज रनिंग इन द ग्राउंड, राइट. वह एक कार खरीद रहा है तो ही इज बाइंग अ कार. मैं उसे बुला रहा हूं, आई एम कॉलिंग हिम. वे लोग बॉल पकड़ रहे हैं तो दे आर कैचिंग द बॉल. यस, माई मदर इज क्लीनिंग द रूम, राइट. संतोष यादव इज क्लाइंबिंग द माउंटेन. संतोष यादव इज क्लाइंबिंग द माउंटेन. ही इज कंप्लीटिंग द होमवर्क. वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं. वी आर लर्निंग इंग्लिश. ही इज डिवाइडिंग द केक, राइट. दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. तो अब ये जो सेंटेंसेज आपने बनाए उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड. इज ही प्लेइंग इन द फील्ड, इज ही नॉट प्लेइंग इन द फील्ड. आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश. ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर. इज ही ड्रिंकिंग वाटर, इज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, तो दिस वे आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. वह जा रहा है, क्या बनेगा, यस ही इज गोइंग. वह नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग. क्या वह जा रहा, इज ही गोइंग. क्या वह नहीं जा रहा, इज ही नॉट गोइंग. इस तरह से बन सकता है या बन जाएगा, है ना. लास्ट डे, आई मीन फिफ्थ डे, आई टॉट यू प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. थोड़ा सा उसे भी रिविजन करके दोनों को मिक्स करते हैं. उसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट. और इसमें हिंदी कैसा होता है, ता है,
टी है, टे है, ये क्या दिखाता है? ये एक्चुअली में आपके हैबिट को दिखाता है, आपके हैबिट को दिखाता है। जैसे हाँ, इसमें ध्यान ये देना है कि V1 V5 दोनों, इसमें तो केवल V4 है, इज मार्क के बाद V4 लग गया, लेकिन इसमें V1 V5 दोनों में से कोई एक लगाना था। ये आपका V1 हो गया, V1 का मतलब हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म, V5 का मतलब हुआ वर्ब का पांचवा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म में करना क्या है, बस वर्ब में एस या ES जोड़ देना है, ठीक है। वर्ब में ING जोड़ेंगे तो उसको V4 बोलेंगे, राइट। तो इनडेफिनिट में क्या था, V1 और V5, जैसे याद ये देना है। इसमें अक्सर मिस्टेक होता है, पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन रह जाती है, दैट्स व्हाई आई एम रिवाइजिंग दिस। I, V, U, दे प्लूरल, मैंने याद करवाया था, फिर भी कंफ्यूजन होने लगता है, प्लीज रिमेंबर वेरी वेल। I, V, U, दे प्लूरल के साथ V1, He, She, It नेम सिंगुलर के साथ V5, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज का प्रयोग करेंगे। जिनके साथ हम V1 लगाएंगे उन सब्जेक्ट के साथ हम डू, और जिनके साथ V5 का प्रयोग होगा उन सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। जैसे शी, जैसे वह गीत गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है, तो शी डज, मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ डज लगेगा नेगेटिव में, तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाती है, तो डज शी सिंग अ सॉन्ग, डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत नहीं गाती है, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, राइट। वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, वह रो रहा है, ही इज क्राइंग। अगर मैं बोलूं कि वह क्यों रो रहा है, तो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव बनाने के बाद आप WH वर्ड लगा देंगे तो बन जाएगा। जैसे वह रो रहा है, He is crying, वह क्यों रो रहा है, Why is he crying? थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर ले, I am enjoying, मैं enjoy कर रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव, I am not enjoying, क्या मैं enjoy कर रहा हूँ, Am I enjoying, क्या मैं enjoy नहीं कर रहा हूँ, Am I not enjoying, right? वे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो they are taking exercise, they are not taking exercise, are they taking exercise, are they not taking exercise, right? अब इन दोनों से काफ़ी sentences को आप बना सकते हैं day to day life में। जैसे वह, अब ये question बना कर आप उसका जवाब दें, जैसे मैंने कल बताया था कि how to frame question, जैसे where do you live, आप कहाँ रहते हैं, तो I live at XYZ, right? What do you like on television, television पर क्या पसंद है, तो I like to watch news channels, or I like to watch religious serials, or I like to watch romantic movies, right? So whatever you like, this way you can frame questions and then you can answer on your own. खुद से आप सवाल बनाएं, खुद से उसका जवाब ढूंढें, खुद से आप देखें कि क्या ये हो सकता है, ठीक है। दिस वे इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन स्पीकिंग एंड बिलीव मी यू विल बी एबल टू स्पीक। जैसे अभी आप अपने से इंट्रोडक्शन भी आप दे सकते हैं या क्वेश्चन भी सिंपल पूछ सकते हैं, अ काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू, अपने को मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं सिंपल, कहीं भी खड़े होकर। चूंकि देखिए, अगर कोई आपके साथ बोलने वाला है तो वेरी गुड, If someone is there with you to converse in English, it's very good. You can converse with him or her in English. It will be helpful to you. अगर कोई नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने को माने, right? You can imagine yourself that you are talking with someone. It sounds a little awkward. ये बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन I had also done it. मैंने भी starting में ऐसे ही किया था, because there was no one to talk to me, right? So I had really talked to the wall. जो भी मैं सीखा प्रैक्टिस करने के लिए, दीवार से, कभी हैंडपम्प से, जहाँ भी जा रहा हूँ, जो भी मेरे सामने आ रहा है उसी से मैं बात कर रहा हूँ, एंड दैट वे रियली हेल्प मी अलॉट टू गेन फ्लुएंसी, ठीक है। अगर उसमें परफेक्शन चाहते हैं तो ऐसे आपको करना चाहिए, अगर कोई है तो उनके साथ भी आप कर सकते हैं। जैसे सवाल पूछें, आप कहाँ जा रहे हो, वेर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू टेम्पल, वाई आर यू गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप, Do you go to temple every day? क्या आप रोज मंदिर जाते हैं? No, I don't go to temple every day. When do you go to temple? I go to temple on Sunday. मैं संडे को टेम्पल जाता हूँ। अभी कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे लास्ट डे मैंने जो बताया था उस पर आप सेंटेंस बना सकते हैं, एंड देन टुडे ऑल्सो आई टोल्ड यू, इसमें ध्यान ये देना है, सेंटेंस बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर ये होगा, WH वर्ड प्लस auxiliary verb
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसमें कैसे हो रहा है, अगर ये कंटिन्यूअस पर होगा तो ए वी की जगह इज एम आर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वी फोर हो जाएगा। जैसे आप क्यों बोल रहे हैं तो वाई आर यू स्पीकिंग, अगर ये इस पर होगा ठीक है, आप क्यों बोलते हैं तो वाई, इसमें से डूडज ऑक्सिलरी वर्ब, तो वाई डू यू स्पीक, इसमें वी वन ही लगाते हैं डूडज के बाद, तो वी वन हो जाएगा वाई डू यू स्पीक। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिससे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, आप सुबह में कहाँ टहलते हैं तो वेयर डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, तो आंसर भी हो सकता है आई वॉक इन माय ग्राउंड इन द मॉर्निंग, राइट, दिस वे यू कैन टेल इट। डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज, नो आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज, और आई लाइक वॉचिंग मूवीज, दिस वे यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस। तो आज के लिए आपके पास ये है कि यू शुड रेज क्वेश्चन, यस यू कैन मेक क्वेश्चन इन कंटिन्यूअस एंड इनडेफिनिट। इनडेफिनिट और कंटिन्यूअस पर सेंटेंसेस बनाने के साथ साथ आप क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, क्वेश्चन बनाएं और फिर उसका आंसर लिखें, है ना। अगर कोशिश करें कि वाई का भी आंसर दे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि वाई आर यू स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग बिकॉज आई एम टायर्ड, आई एम स्लीपिंग बिकॉज आई एम टायर्ड, दिस वे यू कैन से दैट। When will you watch the movie? When will you, future मैंने अभी नहीं पढ़ाया, when do you watch movie? I watch movies only on Sundays, right? So this way you can frame sentences on indefinite and continuous. तो दो चीजें अभी आपने सीखा, right? कैसे अपने हैबिट को बताएंगे और कैसे कंटिन्यूअस एक्शन को बताएंगे। Along with that, इसके अलावे अब से आप शुरू कर सकते हैं, जो भी वोकैबुलरी डेली मैं कुछ न कुछ बता रहा हूँ उसको बार बार आप देखेंगे तो देखते देखते सुनते सुनते भी आपको याद हो जाएगा, है ना, वो भी याद हो जाएगा। प्लस अगर कहीं लिख लेते हैं तो बार बार उसको पढ़ने से भी आपको याद होगा। एंड देन ब्रिंग इन टू प्रैक्टिस, अनलेस एंड अंटिल यू ब्रिंग इन टू प्रैक्टिस, इट विल रियली नॉट हेल्प यू एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल और स्पीकिंग स्किल। तो फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन को हमने बताया, वो लिखने के लिए अगर नहीं लिखे तो प्लीज राइट एंड ट्राई टू स्पीक, राइट। सेकेंडली आई टोल्ड यू राइट डेली रूटीन, डेली रूटीन मैंने आपको बताया, तो डेली रूटीन आप लिखे होंगे, अगर आप नहीं लिखे तो प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ठीक है, टूडे आई एम सेइंग दैट फ्रेम सेंटेंसेज एंड रेज क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाकर उसका आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। हाँ, वन मोर सजेशन मस्ट टेल यू कि आज से थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश कुछ सुनना और पढ़ना शुरू करें। अब ये सुनना और पढ़ने से क्या मेरा तात्पर्य है, व्हाट आई एक्चुअली वांट टू से, मे बी एनी वेरी सिंपल स्टोरी, सिंपल स्टोरी मीन्स हो सकता है वो 1-2 की कहानी हो सकता है, ठीक है, मे बी रैबिट एंड द टॉर्टस की कहानी हो सकती है, ठीक है। तो एनी सिंपल स्टोरी जो कि यूट्यूब पर आपको आराम से मिल जाएगा और कोई भी सोर्स आपके पास है, तो सिंपल स्टोरी को आप सुनिए, प्लीज लिसन टू द वेरी वेरी सिंपल स्टोरीज, मे बी स्टोरीज ऑफ चंपक, मे बी स्टोरीज ऑफ 1, 2, 3 स्टैंडर्ड क्लासेस, ठीक है, आप सुनिए। उसमें सेंटेंसेज जब आप सुनेंगे तो सुनने से आपका उच्चारण भी क्लियर होगा, योर प्रोनंसिएशन विल बी ऑल्सो क्लियर, प्लस यू विल ऑल्सो गेट द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, और जो मैं ग्रामर बता रहा हूँ उससे फिर कनेक्ट होगा, है ना। सो दिस वे योर कंसेप्ट विल बी क्लियर एंड यू विल हैव कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, अनलेस एंड अंटिल यू हैव कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक करेक्टली। It is said, a good listener can be a good speaker. तो आप सुने, अगर आपके पास सुनने की सोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, तो then you can read simple books. बुक्स तो आपके घर में होंगे ही, 1, 2, 3 क्लास के जो भी सिंपल बुक्स होंगे, और नहीं तो आप चंपक मंगवा लीजिए एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग। हो सकता है शुरुआत में कुछ ना समझ में आए, देन ऑल्सो यू ट्राई टू रीड one word and this will help you. कोई अगर problem आती है, if you really face problem, you can ask me in the chat box, right? And then I will really guide you how you can improve it. और जो भी problem आप face करें, you can ask me, I will really help you
improve that part. Okay, so I hope this is clear to you. So that is all for today, and please revise the previous part, whatever I have taught you, क्योंकि अभी आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएं. कल मैं पढ़ाऊंगा कि colloquial common dialogues क्या होता है. जैसे अब थोड़ा बोलने में चलेंगे ना, तो कल हम ये पढ़ाएंगे कि जब मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, बिछड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना. मिलते समय क्या बोलना चाहिए, बिछड़ते समय क्या बोलना चाहिए, एक कॉमन कुछ कॉमन कोलोकियल डायलॉग्स होते हैं, राइट. सो दोज डायलॉग्स आई विल टेल यू जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं. सो आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो थैंक यू.